हेलो फ्रेंड्स, हमारी कंपनी अपने वेंडर्स के बिजनेस को सिंप्लीफाई और इजी करने के लिए हर रोज एक नया प्लान देती है ताकि हमारे वेंडर्स का बिजनेस ग्रो हो सके, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमारे वेंडर्स का बिजनेस ग्रो होगा तभी हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने नया प्लान दिया था कि हम वाइट लेबल वीडियोस बनाकर देंगे। आपको वो वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करनी है और अपने क्लाइंट्स को उसके थ्रू ही ट्रेनिंग करवा सकते हो। अगर आप पर्सनली जाकर 10 बंदों को डेमो देते हो, तो अगर आप मैसेज शूट आउट करो अपने वाइट लेबल वीडियोस को, तो उससे आपके पास 10 की जगह 100 बंदों का डेमो एक दिन में हो जाएगा, तो आपका बिजनेस 10% इंक्रीज हो गया। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम हर रोज़ एक नई वीडियो दे रहे हैं अपने वेंडर्स को। वाइट लेबल वीडियोस हैं, लेकिन उनको अपलोड कैसे करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, हमारे पास हर रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे हम अपने चैनल पर अपलोड करें, कैसे हम उसको अपने एडिट करके अपने नेम पर करें और अपना नंबर वगैरह या अपनी साइट का लिंक वहाँ पर डालें। वो सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम चैनल क्रिएट करेंगे। उस चैनल को क्रिएट करने के लिए आपका अकाउंट होना चाहिए जीमेल में। तो मेरा अकाउंट ओपन है, इसमें सबसे पहले हमें यूट्यूब में जाना है। तो यूट्यूब ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से। ये हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। यहाँ से मैं साइन इन कर लेती हूँ। यह हमारा अकाउंट साइन इन हो गया। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाना है हमें। सेटिंग्स में जाकर हम अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू चैनल। क्रिएट अ न्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपने चैनल का ब्रांड नेम सेट करेंगे। सपोज हमने अभी सॉल्वर एक अकाउंट क्रिएट कर लिया यूट्यूब पर, तो ये हमारा सॉल्वर नेम से चैनल क्रिएट हो गया। तो अभी बात आती है कि आपको अपनी वीडियोस वाइट लेबल करके इस पर अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। पहले वाइट लेबल कैसे करें वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। एक्टिव प्रेजेंटर नेम से सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करके प्रोजेक्ट लो। नीचे दिए गए नंबर से आप प्रोजेक्ट लो, कंपनी जो एग्जीक्यूटिव है उनसे प्रोजेक्ट लेकर आप उन्हें एडिट कर सकते हो। कैसे एडिटिंग करनी है वो सब आपको मैं बताने जा रही हूँ आज। सबसे पहले सपोज हमें यहाँ पर अपना नंबर शो करवाना है टेक्स्ट कैप्शन में। जब जब वीडियो चले तो हमारा नंबर शो हो, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं हमें कॉल कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट कैप्शन सेलेक्ट किया हमने, तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। जहाँ पर भी हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर देंगे हम। सपोज हम चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियो में ये आए, तो उसकी सेटिंग हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो भी आप राइट डाउन करना चाहते हो वो लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम सपोज लिखते हैं, नंबर डाल देते हैं यहाँ पर हम कॉल एट। तो यहाँ पर हम अपना नंबर डाल देंगे। जो भी चीज हम यहाँ पर डालना चाहते हैं टेक्स्ट कैप्शन में हम वो डाल सकते हैं। इसको अभी आपको बड़ा फॉन्ट करना है वो कर दो यहाँ से। जो भी सेटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। कलर देना है कलर कर दो, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसकी सिलेक्शन करेंगे पहले और इसको इसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देंगे। यहाँ पर मैंने 48 सेट किया, ऐसे करके ये बड़ा शो होना शुरू हो जाएगा। इसको कलर करना चाहते हैं हम क्विक स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से हम इसको कलर कर सकते हैं। जो भी कलर हमें पसंद है या जो भी कलर हम लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा
टेक्स्ट क्रिएट हो गया, अभी ये तो हमने लगा दिया। हम चाहते हैं कि ये जब जब वीडियो चले, जितना टाइम वीडियो चले, वो सारी वीडियो में ये साथ साथ चले। तो उसकी सेटिंग कहाँ से करनी है, नीचे नीचे आ रहा है देखो स्लाइड टेक्स्ट कैप्शन, यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे। टेक्स्ट कैप्शन में जहाँ तक हम चाहते हैं कि ये वीडियो के साथ साथ चले वहाँ तक हम सिलेक्शन कर देंगे। सबसे पहले जैसे वीडियो हमारी ज़्यादा टाइम की है तो इसको पहले हम जूम इन करेंगे सो दैट हमारे पास सारी वीडियो शो होनी शुरू हो जाए। तो ये सारा टेक्स्ट हम अपनी वीडियो में लगा देंगे जहाँ तक भी हम चाहते हैं, जब तक वीडियो चले कि हमारा टेक्स्ट शो हो तो वहाँ तक हम इसकी सिलेक्शन कर देंगे। तो अभी हमने ये टेक्स्ट लगा दिया, इसको प्ले करके देखते हैं कि यह साथ साथ चल रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैंने प्ले किया इसको, ये प्ले हो गया हमारा वीडियो। तो ये टेक्स्ट साथ साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो भी आगे जा रहा है, ये नंबर भी जितना टाइम वीडियो चलेगा ये नंबर वहाँ वहाँ पर शो होगा। तो ये ऐसे करके हम नंबर वेबसाइट वगैरह अपनी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी ऑप्शन आता है कि हम अपना जब वीडियो चले वहाँ पर शो करना चाहते हैं, कि हमारा कुछ मोटिवेशनल वीडियो पहले लगाना चाहते हैं, या फिर हम कुछ इमेजेस मर्ज करना चाहते हैं इस वीडियो में, वो कहाँ से करेंगे वो भी हम बता रहे हैं आज आपको। यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये हमारे पास इमेज आ गई, इसकी हम सेटिंग कर लेंगे कितनी बड़ी इमेज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट के जितनी ही होनी चाहिए, तो उसकी सिलेक्शन करेंगे पूरी एरिया पर। अभी कहाँ तक चले ये बात आती है कि कहाँ तक चले अपनी वीडियो, उसकी सेटिंग हम नीचे जैसे हमने टेक्स्ट कैप्शन की थी, जैसे जैसे जो भी हम ऐड करते जाएंगे उसका ऑप्शन आता जाएगा नीचे कि किस चीज़ को हम कहाँ तक सेटिंग करना चाहते हैं, कहाँ तक हम उसे चलाना चाहते हैं। तो वो सब हम नीचे ऑप्शंस में उसे सेट कर सकते हैं। इमेज का ऑप्शन आ गया, तो हमने इमेज लगाई थी, इमेज के बाद हमारा वीडियो चलेगा। जैसे अभी हमने इमेज लगाई तो उसके बाद हमारा वीडियो कंटिन्यू होगा। तो जहाँ तक भी आप सेटिंग करना चाहते हो वो आ जाएगा। इसकी स्टार्टिंग में एंड में आप ऐसे करके आप इमेजेस लगा सकते हो। अभी हमें वीडियो को ही मर्ज करनी है, आप चाहते हो कि कोई मोटिवेटिंग वीडियो आप इसमें मर्ज करना चाहते हो जब ये स्टार्ट हो या इसका एंड हो, तो इसके स्टार्टिंग में हमें कोई मोटिवेटिंग वीडियो मर्ज करनी है, तो वो हम कैसे मर्ज करेंगे। वीडियो में गए, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जो भी वीडियो हमारे पास बनी हुई है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप चाहते हो कि हमारा लोगो डिस्प्ले हो तो वो सब हम यहाँ पर लगा लेंगे। हमारे पास फिर से ऑप्शन आ गया जो हमने सिलेक्शन की है, तो हम यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ तक हम चाहते हैं कि वो वीडियो चले। जैसे हम चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे सॉफ्टवेयर लॉगिन होने से पहले चले, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं ओपन होता है तब तक चले, तो हम उसकी सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारी वीडियो हमने लगा दिया। तो ऐसे करके आप जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना चाहते हो वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो। ये हमने लोगो लगाया था, तो ये हमारा लोगो अटैच हो गया वीडियो की तरह, वीडियो उसके बाद आएगा। तो ऐसे करके आप अपना लोगो, अपने मोटिवेटिंग वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो जो भी लगाना चाहते हो वीडियो में ऐड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वाइट लेबल हो जाएगा आपके नेम पर। ऐसे करके आप अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स की ट्रेनिंग इसी के थ्रू ही करवा सकते हो, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करो,
वहाँ से प्रोजेक्ट लो और इसको वाइट लेबल कर लो। थैंक यू।